नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में डायरेक्शन और डिस्टेंस पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो उस कड़ी में अभी तक जो हम लोग सीख चुके हैं वो ये था कि जब पहला टाइप ये था कि जब आरंभिक दिशा ज्ञात हो तो हम लोग अंतिम दिशा ज्ञात कर लेते थे, और दूसरा टाइप ये था कि जब अंतिम दिशा ज्ञात हो तो हम लोग प्रारंभिक दिशा ज्ञात कर लेते थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो घूर्णन पर आधारित प्रश्न है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें यही होगा कि कोई व्यक्ति होगा, वो कुछ एंगल के साथ एक बार वो दक्षिणावर्त दिशा में रोटेट करेगा, एक बार वामावर्त दिशा में रोटेट करेगा, उसके बाद जो है उसकी दिशा पूछी जाएगी। ठीक, तो जैसे प्रश्न देखिए, तब उसके बाद इसके लॉजिक की बात करते हैं कि इसको शीघ्रता से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, केदार दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त में 135 डिग्री, दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त में 135 डिग्री, वामावर्त में 45 डिग्री तथा दक्षिणावर्त में 90 डिग्री चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए, जिस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रहे उसको हम लोग वैसे वैसे बना लेते हैं, उसका आरेख वैसे खींच लेते हैं। हम लोग दिशाओं से पूर्व परिचित हो ही चुके हैं। उसके बाद देखिए, अगर वो दक्षिणावर्त दिशा में रोटेशन की बात करें तो हम लोग उसके एंगल को प्लस प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और अगर वामावर्त की बात करें, वामावर्त रोटेशन की बात करें, तो उसके लिए हम लोग माइनस साइन कंसीडर करते हैं। ये लिखने के बाद इसको जोड़ लेते हैं। भागु जोघा के नियम से आप परिचित ही होंगे, हालांकि इसमें जोड़ और घटाव है, यानी कि समान चिन्ह वाले को समान चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, और अगर विपरीत चिन्ह है परस्पर तो हम लोग उनको घटा देंगे। ठीक, और उसमें जो घटाने पर हमको प्राप्त होगा उसमें चिन्ह उसका लगाएंगे जिसका ज़्यादा होगा। ठीक, और देखिए, उसके बाद जो यहाँ से आएगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद एक एक पर्टिकुलर जो एंगल आएगा उसी एंगल के साथ रोटेट कर देंगे। अभी प्रश्न करते हैं तो और स्थिति स्पष्ट होगी। ठीक, देखिए, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक, और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से आप पूर्व परिचित हैं। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है कुछ इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक, तो हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं तब स्थिति और स्पष्ट होगी। ऐसे पहला प्रश्न ये क्या है, देखिए, कह रहा है केदार दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं कि दक्षिण दिशा किस तरफ होती है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है। इस दिशा की तरफ मुंह करके केदार खड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए, वह वामावर्त में 135 डिग्री, चूंकि ये वामावर्त है तो वामावर्त का मतलब हम लोग माइनस साइन कंसीडर करेंगे, यानी कि इसको लिख देंगे -135। ठीक, देखते चलिएगा भाई, दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें हम लोग प्लस साइन लेते हैं। ठीक, लिख दिए हम लोग, फिर दक्षिणावर्त में 135 डिग्री, फिर देखिए दक्षिणावर्त में 135 डिग्री ना, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री, 135 लिख दीजिए। वामावर्त में 45 डिग्री, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम लोग माइनस साइन ले लिए, तथा दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, दक्षिणावर्त में 90 डिग्री का मतलब +90 डिग्री। जोड़ लीजिए कि जितना आए। अब यहाँ पर देखिए इसका एडिशन कितना आता है, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए इसका +90 यहाँ पर है, +90 यहाँ पर है, ये जुड़कर क्या बना देगा, +180 बना देगा। ठीक, और यहाँ से देखिए -45 है ना, माइनस कर दीजिए, ये कितना आएगा, +135 आएगा, देख लीजिएगा, 35 45 40 80। ठीक, यानी कि +135 आया। अब 135 का मतलब क्या होता है, 90 प्लस 45 ना, यही तो। और यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन का है यानी कि इस तरफ से हम लोग किस किस दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही तो चलती है। ठीक, तो इस दिशा में घुमा दीजिए, देखिए ये 90 डिग्री पे पश्चिम दिशा हो गई, और इसमें जब 45 और घुमाएंगे तो कुछ ये वाली दिशा बनेगी। ये वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिमोत्तर कह लीजिए, इधर पश्चिम है ना, ये अगर दक्षिण है तो इधर पश्चिम है और इधर नॉर्थ होगा, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये नॉर्थ वेस्ट ही तो होगी,
या यूं कह लीजिए या ऐसा कह लीजिए कि पश्चिमोत्तर दिशा ही तो होगी, पश्चिमोत्तर या पश्चिम उत्तर या नॉर्थ वेस्ट, जो भी दिशा ऑप्शन में दी रहे हो आप उसके साथ चले जाएंगे। ठीक, महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न का प्रश्न को समझना है, इसमें कुछ नहीं था। बस अगर आप वामावर्त दिशा में घूमेंगे तो आप माइनस साइन ले लेंगे, और दक्षिणावर्त दिशा में घूमेंगे तो आप प्लस साइन ले लेंगे, और जोड़ने के बाद अगर अंत में प्लस साइन के साथ बचता है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर माइनस साइन बचता है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखिए, दूसरा वाला, ये तो था पहला सवाल। ठीक, दूसरा सवाल देखिए, सुषमा पश्चिम में मुंह करके खड़ी है, वह 180 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक, तो देखिए पहले तो बना लीजिए कि सुषमा, मान लीजिए कि ये सुषमा है, मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, ये लड़की है तो लड़की वाले सिंबल से, क्योंकि हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ये पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ी है कुछ इस तरीके से। अब देखिए कह रहा है कि वह 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब अपोजिट डायरेक्शन ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 180 ले लिए हम लोग, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, प्लस 90 हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि प्लस 180 हो गया, 135 डिग्री वामावर्त, माइनस 135 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ पर प्लस 90 कर लीजिए। ठीक, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा, प्लस 180 यहाँ पर है, माइनस 180 ये कैंसिल आउट हुआ, 90 और प्लस 90, प्लस 90 इसको जोड़ेंगे तो ये 180 होगा, और माइनस 135 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आएगा 45 डिग्री, ये भी प्लस में आएगा, तो प्लस में आने का अर्थ ही है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना, यानी कि इधर कौन सी दिशा थी, पश्चिम की तरफ वो मुंह करके खड़ी थी ना, अब इसको 45 डिग्री का रोटेट कराएंगे तो 45 डिग्री यही तो होता है, 90 ये पूरा होता है। ठीक, 90 का आधा 45 यही तो होगा ना, यानी कि इसका भी जो उत्तर होगा वो भी क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट ही होगा या पश्चिमोत्तर दिशा ही होगा। ठीक, इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको बस जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव आना चाहिए। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने अगला सवाल स्क्रीन पर है, राजू पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, वामावर्त में 135 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त में 90 डिग्री और वामावर्त में 135 डिग्री घूमता है, अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो अब तक जो हम लोग सीखे हैं उसी का उपयोग करते हैं। राजू है, ये पूर्व की ओर, पूर्व इधर होता है ना, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए वह दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, दक्षिणावर्त के लिए मैंने बताया है कि आप प्लस साइन लेंगे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप प्लस साइन लेंगे। ठीक, तो दक्षिणावर्त में 90 डिग्री का मतलब कि यानी कि ये प्लस 90 डिग्री हो गया। ठीक, वामावर्त में 135 डिग्री, वामावर्त में निगेटिव साइन लेंगे यानी कि माइनस 135 डिग्री, ये हो गया। फिर दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, इसको प्लस 90 फिर कर दीजिए, और वामावर्त में 135 डिग्री यानी कि ये माइनस 135 फिर हो गया। ठीक, अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से वाकिफ ही हैं तो सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए प्लस 90 प्लस 90 ये जुड़कर कितना होगा, प्लस 180, और ये 135 135, 270 होगा ना, यानी कि माइनस 270। ठीक, इसको जब माइनस करेंगे 180 में से, वो ये प्लस 180 है, माइनस 270 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 90 आएगा ना, आप घटा के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन आ गया तो हम लोग अब जो है माइनस साइन क्या दर्शाता है, वामावर्त दर्शाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दर्शाता है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में दर्शाता है। तो कितना जाना है हमको, 90 डिग्री, तो इधर अगर हम लोग जाएंगे तो ये कैसी डायरेक्शन होगी, ये क्लॉकवाइज होगी, लेकिन हमको जाना किस तरफ है, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो इधर से जब यानी कि हम लोग जब इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री जब मूव कराएंगे तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ना, यानी कि उत्तर, तो हम लोगों का उत्तर भी, उत्तर जो है ये
उत्तर दिशा आएगी। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा टाइप था, इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें आपको दक्षिणावर्त जाने पर प्लस साइन कंसीडर करना था, और वामावर्त दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज में आपको माइनस साइन कंसीडर करना था, जोड़ देना था। जो अंत में रिजल्टेंट मिलता है उसी की सहायता से हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आरेख खींच लेते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। ठीक, देखिए अगला टाइप आपके सामने है। अगला टाइप है दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें इसमें जो है किसी दिशा को किसी दूसरी दिशा से रिप्लेस कर दिया जाता है, और आपको वही परिवर्तन का क्रम ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। जैसे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, ये दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो पश्चिमोत्तर को कौन सी दिशा कहेंगे। देखिए अब इसको हम लोग कैसे साल्व करते हैं ये देखिए। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दिशाओं के आरेख को खींच लेते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से हो गया। ये नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये ईस्ट है यानी पूर्व है, ये वेस्ट है। इधर वाली दिशा देखिए नॉर्थ ईस्ट की हो गई, इधर नॉर्थ वेस्ट की हो गई, इधर जो है साउथ वेस्ट की हो गई, और इधर साउथ ईस्ट की हो गई ना। इतना तो हम लोग परिचित ही हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसमें जो है देख लीजिए कि किसको किस दिशा से रिप्लेस किया जा रहा है, उसी ऑर्डर के आधार पर जिसका पूछे उसका आप निकाल लीजिए। देखिए दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, ये दक्षिण दिशा होती है ना, इसको देखिए इसको दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, यानी कि ये दक्षिण है, इसको दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, यानी कि इस दिशा को इस दिशा से पुकारा जा रहा है। या फिर अगला देखिए, पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, पूर्व को जो है ये पूर्व है, पूर्व को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यही तो है ना, यानी कि इसको देखिए इससे रिप्लेस किया जा रहा है। तो पश्चिमोत्तर को कौन सी दिशा कहेंगे, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर का मतलब हो गया पश्चिम और उत्तर ना, तो यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यही तो पश्चिमोत्तर है, नॉर्थ वेस्ट, तो इसको कौन सी दिशा कहेंगे। देखिए इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है 45 डिग्री रोटेट करा दिया गया है, तो आप भी इसको रोटेट करा कर लिख दीजिए। पश्चिमोत्तर का पूछा था, तो पश्चिमोत्तर को जब हम लोग रोटेट कराएंगे तो अब वो कौन सी दिशा बन गई होगी, वो उत्तर दिशा बन गई होगी ना, यानी कि जो हम लोगों का आंसर होगा वो उत्तर दिशा होगा। अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आई हो तो एक तरीका और है, देखिए वैसे इसमें कुछ था नहीं, जैसे दिशाओं को जो है जैसे दक्षिण को दक्षिण पश्चिम यानी कि ये दिशा थी, इसको जो है इस नाम से पुकारा जाने लगा है, पूर्व को दक्षिण पूर्व, पूर्व हमारा था इसको दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, तो उसी क्रम को आपको ध्यान में रखते हुए पूछा है कि पश्चिमोत्तर को कौन सी दिशा कहेंगे, पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिमोत्तर भी 45 डिग्री जब जो रोटेट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो जो है अब उत्तर बन चुकी होगी। देखिए या दूसरा तरीका ये है, देखिए हम लोग दिशाओं से परिचित हैं कौन सी दिशा किस स्थान पर होती है, अब जैसा जैसा प्रश्न में कह रहा है उसी आधार पर इसको बना दीजिए। जैसे दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, ये दिशा दक्षिण होती है लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ और वेस्ट कहा जा रहा है ना, पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, पूर्व पूर्व इधर होता है लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ और ईस्ट ना। अब देखिए इसको साउथ ईस्ट कहा जा रहा है, इसको साउथ वेस्ट कहा जा रहा है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि साउथ वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है। अरे भाई देखिए ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हम लोग पढ़े हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो जब प्रश्न में ये दे दिया, अमूमन ये फिगर होता है
लेकिन प्रश्न में दिया क्या था कि प्रश्न में दक्षिण को दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण दिशा इधर होती है, इसको दक्षिण पश्चिम नाम दे दिया गया था, ठीक। पूर्व को दक्षिण पूर्व, पूर्व इधर दिशा होती है लेकिन इसको दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, तो पश्चिम उत्तर का पूछा है। तो आप जब आपको ये दो दिशाएं मालूम हो गई तो आप शेष दिशाओं को निकाल सकते हैं ना। देखिए साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है ना, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, ये नॉर्थ ईस्ट बन गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए साउथ ईस्ट का अपोजिट ये साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट बन चुका है। अब देखिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा होती है, ये साउथ की होती है ना। यहाँ से देखिएगा, अगर ये साउथ हो गया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्योंकि हम लोग पढ़े क्या हैं, उ पू द और प पढ़े हैं ना, यानी कि ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम यानी कि वेस्ट। अब पूछा क्या था, पश्चिमोत्तर को कौन सी दिशा पूछा था, तो पश्चिमोत्तर के स्थान पर कौन सी दिशा है, पश्चिम और उत्तर यही तो होती है, लेकिन ये दिशा क्या बन चुकी है, पश्चिम बन चुकी है ना। पश्चिमोत्तर को कौन सी दिशा कहेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए ये पश्चिमोत्तर थोड़ी है, ये तो जो है इस दिशा पे दक्षिण और पश्चिम दिशा होती है ना, पश्चिमोत्तर दिशा तो ये होती है ना। अरे भाई पश्चिम और उत्तर दिशा तो यही होती है नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट के स्थान पर कौन सी दिशा है, यही तो है ना, तो नॉर्थ वेस्ट के स्थान पर नॉर्थ दिशा है, तो यानी कि हम लोगों का जो आंसर होगा वो उत्तर दिशा होगा, ठीक, उत्तर दिशा। समझ में आया कि नहीं। एक तरीका तो ये था कि आप जो है उसके ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आप उसको रोटेट कर देते, एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि इन दिशाओं से हम लोग परिचित हैं, इस दिशा को ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद जो है जिस परिवर्तन को कहता है उसके स्थान पर वो दिशा लिख देते। जैसे देखिए दक्षिण को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, इसको दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, ठीक। और देखिए पूर्व को दक्षिण पूर्व, पूर्व इधर होता है लेकिन इसको दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। जैसे ये दो दिशाएं पता चली हम लोगों को, तो हम लोगों को पता क्या है कि साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, इसको हम लोग बना दिए। अब जब ये दो दिशाएं, फिर इसके बाद देखिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ दिशा होती है, तो हम लोग इस साउथ डायरेक्शन को बना दिए, ठीक। तो जैसे साउथ बना, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद प्रश्न में पूछा था कि पश्चिमोत्तर दिशा किसे कहेंगे, पश्चिमोत्तर दिशा को कौन सी दिशा कहेंगे, पश्चिमोत्तर के स्थान पर हम लोग देखते हैं पश्चिमोत्तर इधर होता है, तो पश्चिमोत्तर के स्थान पर हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पर पश्चिम और उत्तर, उत्तर मिला ना, तो यानी कि हम लोगों का जो आंसर होगा वो उत्तर दिशा होगा। चाहे आप इससे समझ लीजिए, चाहे आप इससे समझ लीजिए, दोनों एक जैसे हैं, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये हम लोग दिशा बना लिए, ठीक, इससे हम लोग परिचित ही हैं, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब आपको जो है इसी परिवर्तन को इसमें दर्शा देना है, पश्चिम को पूर्वोत्तर कहा जा रहा है, पश्चिम दिशा जो होगी ये पश्चिम दिशा है, इसको क्या कहा जा रहा है, पूर्व उत्तर यानी कि पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जा रहा है, यानी कि इसको जो है इससे रिप्लेस किया जा रहा है। उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, उत्तर दिशा ये है, इसको जो है दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पर है, यानी कि इसको इससे रिप्लेस किया जा रहा है। उसके बाद पूछा है कि दक्षिण को कौन सी, दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण इधर है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको जो है जब उठाया गया था तो यहाँ पर देखिए इसको जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया है। वैसे नॉर्थ को भी देखिए 45, 90, 135, इसको भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया है, या यूं कह लीजिए कि दो दिशा को छोड़कर तीसरी दिशा से रिप्लेस किया गया है। तो वैसे भी जो है पूछा किसका है, दक्षिण को पूछा है, तो दक्षिण दिशा ये है, इसको भी जो है दो दिशा छोड़ के तीसरी से रिप्लेस कर दीजिए,
एक दो दो दिशा छोड़ के तीसरी से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो जो हम लोगों का जो है जो आंसर होगा वो दक्षिण दिशा क्या बन चुकी है, दक्षिण दिशा जो है वो नॉर्थ वेस्ट बन चुकी है ना, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर और पश्चिम, ठीक, या पश्चिमोत्तर कह लीजिए। एक तरीका तो ये था जैसे हम लोग लगाए, दूसरा तरीका ये है कि इसी तरीके से आप आरेख खींचकर जैसा जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। जैसे ये देखिए, पश्चिम को पूर्वोत्तर कहा जा रहा है, पश्चिम दिशा इधर होती है ना, लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है, पूर्वोत्तर कहा जा रहा है, यानी कि पूर्व और उत्तर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जा रहा है। अब देखिए, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, उत्तर इधर होता है, लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है, उत्तर को जो है दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है, यानी कि इसको साउथ ईस्ट कहा जा रहा है। देखिए, अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, यहाँ से देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट साउथ वेस्ट होता है ना, यानी कि इधर साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा होती है, ये साउथ की हो गई, जैसे ये साउथ की हो गई, ये नॉर्थ की हो गई, ठीक, नॉर्थ साउथ। और फिर उसके बाद देखिए क्रम क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपू द पन, यानी कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, यानी कि इधर इधर ये ईस्ट हो जाएगा, और जब इधर ये ईस्ट हुआ तो ये वेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद कौन सी दिशा बच रही है, नॉर्थ और वेस्ट के, देखिए साउथ ईस्ट के जस्ट अपोजिट कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है ना, तो ये दिशा हो गई। अब पूछा किसका है, दक्षिण को पूछा है, दक्षिण को क्या कहा जाएगा पूछा है, तो दक्षिण के स्थान पर देखिए कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट ही तो है ना, यही तो है ना, यानी कि उत्तर जो आया यहाँ से भी वो दक्षिण पश्चिम का आया या पश्चिमोत्तर का आया। ठीक, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको जो है दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, जिस दिशा को जिस दिशा से रिप्लेस करने की बात करें उस दिशा से आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, चाहे ये वाला तरीका आप इस्तेमाल करें चाहे आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करें, इसको इस तरीके से भी या इसको इस तरीके से लगाया जा सकता है, इसको इस तरीके से या इस तरीके से लगाया जा सकता है, प्रैक्टिस आपकी है, आप किस दिशा को प्रेफर करते हैं। ठीक, मैं जो है इसी दिशा से लगा लेता हूँ, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, यदि पूर्वोत्तर को उत्तर कहा जाए, उत्तर को पश्चिमोत्तर कहा जाए, तो किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ठीक, तो एक तो तरीका ये है जो हम लोग करते आ रहे हैं वही कर लें, तीसरा सवाल है ये। ठीक, इस टाइप का तीसरा सवाल है। ठीक, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये दिशाएं आपको याद हो जाएंगी। ठीक, ये सब ऐसे सवाल हैं कि आप जो है 4-6 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। पूर्वोत्तर को उत्तर कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व और उत्तर, इस दिशा को जो है उत्तर कहा जा रहा है। यहाँ से देखिए, इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट किया जा रहा है, उत्तर को पश्चिमोत्तर कहा जा रहा है, उत्तर जो दिशा है इसको पश्चिमोत्तर कहा जा रहा है, यानी कि उत्तर दिशा को नॉर्थ वेस्ट कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, करा किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे, यानी कि अगर इसी परिवर्तन को हम लोग करते जाएँ तो किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे, यानी कि दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन जाएगा। तो देखिए, इसको करेंगे तो ये इसके स्थान पर आएगा, ये इसके स्थान पर आएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम हम लोग किसे कहेंगे। यहाँ से देखिए, यही वेस्ट ही तो ऐसी दिशा होगी जो जो है दक्षिण पश्चिम बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न इसमें थोड़ा सा उलट करके पूछा है, किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे, यानी कि जो परिवर्तन कह रहा है ऐसे आप करते जाएंगे तो किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे। तो यही पश्चिम दिशा होगी कि जिसको जो है दक्षिण पश्चिम कहेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा। ठीक, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरे तरीके से कर लीजिए। ये हो गया। अब देखिए,
पूर्वोत्तर हमारा जो है इस तरफ होता है, तो अगर इसको कह रहा है, अगर इसको जो है नॉर्थ कह दिया जाए और उत्तर को पश्चिमोत्तर कह दिया जाए, ये उत्तर दिशा इधर होती है, लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है, पश्चिम और उत्तर यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहा जा रहा है ना इसको, तो दक्षिण पश्चिम का पूछा है। जैसे ही दो दिशाएं हम लोगों को मालूम हुई, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और इससे 90 डिग्री पर ईस्ट, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये साउथ ईस्ट हो गया। फिगर तो यही बन गया ना, यानी कि इस परिवर्तन के आधार पर हम लोग अगर जाएं, तो पूछा किसका था, किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिम किसे कहेंगे आखिर, दक्षिण पश्चिम इस तरफ होता है, अरे इसी तरफ तो दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम पूछा, दक्षिण पश्चिम किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है लेकिन ये किस दिशा की तरफ है, ये पश्चिम दिशा में होता है ना, तो जो हम लोगों का उत्तर होगा वो पश्चिम दिशा तब भी आएगा। समझ में आ रहा है कि सब वैसे ही है, देखिए इसमें कुछ है नहीं, चाहे आप इस तरीके से जाएं, इसमें इसमें क्या था कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया, वही फिगर देखिए ये भी बना है, बशर्ते अंतर अंतर क्या है कि इसमें जो है इसके परिवर्तन को एरो द्वारा इंडिकेट किया गया है, इसमें जो है जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते जा रहे हैं, अंत में जैसे पूछा है कि किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है तो लेकिन ये किस दिशा की तरफ है, इधर पश्चिम होता है ना, तो जो हम लोगों का आंसर होगा वो पश्चिम दिशा होगा, ठीक। और अगर इस फिगर से आप देखते तो पूछ रहा था किसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे, तो यही पश्चिम दिशा ही तो परिवर्तन, अगर इसी परिवर्तन को ध्यान में रखें तो यही दिशा तो दक्षिण पश्चिम बनती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक चौराहे पर दिशा सूचक बोर्ड लगा है, एक दुर्घटना के कारण दक्षिण दिशा पूर्व में चली जाती है, दुर्घटना के बाद कोई यात्री बोर्ड पर उत्तर दिशा पढ़कर आगे बढ़ता है, तो वह वास्तव में किस दिशा में जा रहा है, यानी कि यूं कुछ समझिए कि ऐसे कोई बोर्ड लगा था, ठीक, अब इस पर किसी ने जो है आकर ठोक दिया जो है, तो ये दिशा जो है परिवर्तित हो गई। अब क्या हुआ कि दुर्घटना के कारण दक्षिण दिशा पूर्व में चली जाती है, यानी कि ये दक्षिण दिशा है ये पूर्व में चली गई, यानी कि अगर इसके स्थान पर देखिए अब कुछ यूं हो गया, यानी कि अगर ये साउथ इधर आ गया तो इसी तरीके से तो ये जो है यहाँ पर जाएगी ना, अगर साउथ यहाँ पर तो ईस्ट यहाँ पर, ईस्ट यहाँ पर तो ये नॉर्थ इधर, और इधर वेस्ट हो गया ना, यानी कि दुर्घटना के पहले ये था, जब इसी पर जो है दुर्घटना हो गई तो ये दिशा जो है परिवर्तित कुछ इस तरीके से हो गई, दक्षिण दिशा जो थी वो पूर्व में चली गई, तो उसी परिवर्तन को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये फिर यानी कि बोर्ड ऐसा कुछ हो गया, तो कोई जो है यात्री बोर्ड पर जो है उत्तर दिशा पढ़कर जो है, उत्तर दिशा इधर लिखी है तो यानी कि इधर इधर जो है उत्तर दिशा पढ़कर आगे बढ़ता, यानी कि इस तरफ बढ़ने लगता है वो, ठीक, तो पूछा है कि वह वास्तव में किस दिशा में जा रहा है, यात्री सोच रहा है वो जा तो उत्तर में रहा है लेकिन असल में वो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में ना, इधर पश्चिम दिशा ही तो होती है, तो जो इसका भी आंसर होगा वो पश्चिम दिशा होगा। देखिए कितना सिंपल सिंपल सवाल है, अब आपके सोचने समझने के ऊपर है, आप वीडियो को फिर से देखेंगे और जहाँ ना आए आप जो है वो बेझिझक होकर पूछिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी जो है जो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो बचा है हम लोगों का वो नदी पर आधारित प्रश्न है और सूर्य पर आधारित प्रश्न है। इस पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे जो है नदी बह रही होगी, आप जो है उसके सम्मुख खड़े हुए होंगे, और जो है कहा जाएगा कि अगर कोई शव जो है या कुछ भी जो है अगर आपके दाएं से बह के आ रहा है तो ये दिशा बताइए, इसी तरीके से सूर्य भी है कि जब सूर्य उदित उदित होता है तो आपकी परछाई किस तरफ बनती है, इसके आधार पर दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद इसमें जो है इसके बाद हम लोग दूरी के प्रश्न करेंगे, अभी हम लोग इस पर डायरेक्शन के प्रश्न कर रहे हैं, ठीक। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें जो है प्रैक्टिस के लिए बुक की PDF काफ़ी वहाँ पर उपलब्ध है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।